नमस्कार, इंडिया वॉइस पर बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक भले ही सजग हो, लेकिन लगातार बृजेश पाठक अस्पतालों का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। अधिकारियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराने के निर्देश दे रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ के ही एक अस्पताल में अधिकारी सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। ताजा मामला बख्शी के तालाब स्थित संयुक्त चिकित्सालय का सामने आया है, जहां की सीएमएस पुष्पलता कनौजिया सरकार के आदेशों को ठेंगे पर रखती है। सरकारी आदेश के मुताबिक डॉक्टर्स और सीएमएस अस्पताल में पहुंचने का समय 8 बजे का निर्धारित किया गया है, लेकिन सीएमएस महोदया 9:45 बजे तक अस्पताल पहुंचती हैं, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग के अपर निदेशक ने अस्पताल का औचक निरीक्षण कर उनको फटकार भी लगाई। लेकिन बावजूद इसके सीएमएस महोदया सुधरने का नाम नहीं ले रही। खबर की रियलिटी चेक के लिए इंडिया वॉइस की टीम अस्पताल पहुंची। 9:25 पर हमारी टीम ने अस्पताल का रियलिटी चेक करना शुरू किया और इंतजार करती रही। 9:45 पर सीएमएस महोदया टहलती हुई अस्पताल में नजर आई। तब जाकर हमारी टीम ने उनसे कारण पूछा तो महोदया आवाज ठीक ना होने की बात कहकर आगे बढ़ने लगी। वही जब हमने और सवाल किया तो सीएमएस साहिबा कहने लगी अंदर आओ अंदर आओ। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, लखनऊ के बख्शी का तालाब संयुक्त चिकित्सालय की ये तस्वीरें हैं। अस्पतालों में ओपीडी खुलने का समय 2 बजे से 8 बजे तक का है। वहीं अगर हम बात करते हैं रामसागर मिश्रा अस्पताल में मौजूद हैं आप। हम आज इंडिया वाइज जो है टीएलपी चेक करने के लिए पहुंचा है। आखिरकार यहाँ के अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं समय पर, या फिर सिर्फ जो है कागजों पर ही सारे अधिकारी तैनात रहते हैं। आप देख सकते हैं ये कमरा है, यहाँ की जो फेमस है डॉक्टर पुष्पलता कनौजिया जी, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके ये यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। साफ अनदेखी जो है सामने आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जब सीएमएस अस्पताल में नहीं मौजूद होगा तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बाकी जो डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर हम क्या उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन अगर हम स्टाफ की बात करें तो स्टाफ तो समय पर पहुँच जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो मैडम हैं उनकी तरफ से कोई भी जो प्रतिक्रिया है वो सामने नहीं आती, क्योंकि वो ऊंची पहुंच और ऊंची रसूख के चलते उन पर कोई जो कार्रवाई है वो भी नहीं देखी जाती है। आपको मैं एक समय भी दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैं इस सीएमएस के दफ्तर के पास खड़ा हूँ। आप देख सकते हैं कि 9:23 हो चुका है, लेकिन अभी तक जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से नदारद हैं। कुर्सियाँ जो है खाली हैं। साफ कहा जा सकता है कल यहाँ पर अपर निदेशक का मुआयना भी किया गया था, मुआयने में साफ कहा गया था। अस्पताल का मुआयना व निरीक्षण किया था और लगातार जो बाकी कर्मचारी हैं जो मौजूद हैं लगातार कहीं ना कहीं काम चल रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं सीएमएस की, तो सीएमएस का दफ्तर जो है पूरी तरीके से खाली है। ये अस्पताल की ही घड़ी है, ये कोई मैंने नहीं लगाई है, ना इंडिया वाइज ने इस घड़ी को लगाया है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि घड़ी में साफ तौर पर 9:25 हो रहा है, लेकिन अभी भी सीएमएस अस्पताल में नहीं पहुंची है। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से कि एक अपर निदेशक की तरफ से एक मुआयना किया गया, मुआयने में अधिकारियों को फटकार भी लगाई गई, लेकिन अभी भी अपनी हरकतों से आज जो है सीएमएस नहीं आ रही है। साफ कहा जा सकता है जब ऐसे अधिकारी अस्पताल में मौजूद होंगे तो आप उम्मीद लगा सकते हैं किस तरीके से काम हो रहे होंगे, और साफ कहा जा सकता है कि काफ़ी खामियां भी देखी जा सकती हैं। वही जब हम बात कर लेते हैं प्रदेश के जो डिप्टी सीएम हैं उनकी तरफ से लाख जो है कोशिशें की जाती है कि प्रदेश के जो लोग हैं उनको समुचित इलाज मिल सके, व्यवस्थाएँ मिल सके, लेकिन जब ऐसे लापरवाह अधिकारी जो है कुर्सियों पर मौजूद होंगे, क्योंकि जब वो समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो जाहिर सी बात है ऐसी अनदेखी जो है जरूर देखी जाएगी। अभी हम जो मैडम आएंगी उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इतनी देर में वो क्यों आती है, क्योंकि कई बार जो है देखा गया है जो अधिकारी हैं उनकी कहीं ना कहीं सरपरस्ती होती है, उनकी जो साफ कहा जा सकता है जो मंशा होती है कि कहीं ना कहीं उनके लोग जो है ऊँची बहुत ऊँचे ऊँचे दफ्तर में मौजूद होते हैं, वजह से ये सभी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं ऐसे ये सभी अपनी मनमानी करते हैं। साफ कहा जा सकता है कि इस तरीके से मामला सामने आया है कि अपन निदेशक
कल निरीक्षण करते हैं, उसके बाद आज ही अगर हम पीएलटी चेक करने आते हैं तो आप तस्वीरों के माध्यम से देख कर देख सकते हैं कि यहाँ की जो कला कनौजिया थी वो मौजूद नहीं है। यहाँ से साफ कह सकता है कि उनकी मनमानी साफ तौर से देखी जा रही है। मैं शुभम पांडे, इंडिया वाइज से लखनऊ। आवाज़ यहाँ दिए गए हैं आप लोगों को? आवाज़ हमारा ठीक होने के लिए हमने दे रखा है। कितने दिन से ठीक हो रहा, पहले भी? और क्या बजट सरकार देगी तभी तो छोटा थोड़ा काम नहीं, बहुत ज़्यादा काम है। देखिए ये तो एक लापरवाही है तरीके की, आप अगर आवाज़ सही ढंग से नहीं अगर दिया गया है। नहीं, आवाज़ की बात है, कमियाँ अगर है तो इतने साल पहले अस्पताल हो गया और यहाँ पे अधीक्षक तीन महीने में अभी कल निदेश अपन निदेशक भी आए थे, उसके बावजूद आज जो है लापरवाहियां देखी जा रही है अस्पताल में। मैं तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं लखनऊ की बख्शी के तालाब संयुक्त चिकित्सालय की तस्वीरें हैं, जहां पर हमारे रिपोर्टर पहुंचे हुए थे। साफ तौर पर जाकर वहां पर इंडिया वॉइस की तरफ से उन्होंने रियलिटी चेक करने की कोशिश की, तो साफ आपने देखा कि किस तरह से 8 बजे का टाइम निर्धारित किया गया है। अपर निरीक्षक ने यहां पर निरीक्षण भी किया था, फटकार भी लगाई थी, उसके बावजूद भी यहां पर सीएमएस महोदया 9:45 पर टहलती हुई पाई गई है। 9:25 9:30 तक उनके अस्पताल में होने का कोई अता पता नजर नहीं आ रहा था। साफ तौर पर यहां पर हमारे संवाददाता शुभम पांडे ने पूरे अस्पताल में जानकारी करने की कोशिश की, और साफ देखा जा सकता है कि एक तरफ तो सरकारों के द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, डिप्टी सीएम के द्वारा लगातार अधिकारियों को इस बात की हिदायत दी जा रही है कि कामकाज में किसी भी तरह की कोई लापरवाही ना बरती जाए। तस्वीरें आप देख पाते हैं किस प्रकार की भारी भीड़ यहां पर मरीजों की लगी हुई है। जब सीएमएस ही दफ्तर में मौजूद नहीं होंगी तो अस्पताल के तमाम डॉक्टर किस तरह से कामकाज करेंगे, यह बड़ा सवाल है। और इसी खबर पर हमारे साथ शुभम पांडे संवाददाता लखनऊ से लाइव जुड़ चुके हैं। जी शुभम, जिस तरह से ये तस्वीर सामने आई है, आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, किस तरह से आपने अस्पताल में जाकर रियलिटी चेक किया इंडिया वॉइस की तरफ से, क्या कहना है? अपर निरीक्षक की फटकार लगाने के बाद भी मैडम के ऊपर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा? जी हाँ बिल्कुल, आपको बता दें लगातार कह सकते हैं प्रदेश सरकार जो है लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के है दुरुस्त करने के लिए कवायद करती है। लगातार जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो डिप्टी सीएम है और उनकी तरफ से लगातार जो है निरीक्षण किए जाते हैं, अधिकारियों से बात की जाती है और लगातार कह सकते हैं मरीजों से भी बात की जाती है कि आखिरकार इलाज किस तरीके से चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके से एक डॉक्टर जो है पूरी तरीके से नाराज दिखाई दिए और लगातार कह रहा था, जब इंडिया वाइज की टीम जो है मौके पर पहुंची, इंडिया वाइज की टीम ने जब सीएमएस से बात करने की कोशिश की तो वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। साफ कह सकता है कुर्सियां जो है पूरी तरीके से खाली थी। और लेकिन अगर हम मरीजों की बात करते हैं, मरीजों की संख्या लगभग जो है सैकड़ों की संख्या में जो मरीज है वो मौजूद रहे। और उसी के साथ कहा जा सकता है जब अपन निदेशक जो आए हुए थे कल, जो उनकी तरफ से फटकार भी लगाई गई थी, लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो सामने आती और जब अधिकारी ही मौके पर नहीं पहुंचे, जो साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार बाकी जो डॉक्टर है। जब आपने मैडम से बातचीत करने की कोशिश की, आपने उसे कारण जानने की कोशिश की, तो आपको क्या जवाब मिला? जी बिल्कुल, बता दें हम जिस तरीके से इंडिया वाइज ने लगातार जो है पूरे कैंपस में जाकर के बात की और लगातार लोगों से जानकारी लेने की कोशिश की, आखिरकार सीएमएस जो मैडम है पुष्पलता वो कहाँ पर है, लेकिन उनकी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पूरे कैंपस में नजारत दिखाई दी, कहीं पर भी मौके पर नहीं दिखाई दी। और जब जाकर के इंडिया वाइज ने इस मैडम के आने की खबर मिली और इंडिया वाइज ने जब पूरी तरीके से बात करने की कोशिश की तो इंडिया वाइज के सवालों से भागती हुई जो सीएमएस है वो नजर आई और सीएमएस ने कोई भी सवाल का जवाब नहीं दिया। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से इंडिया वाइज ने सवाल उठाया था कि आखिरकार मैडम सुबह 8 बजे का जो ओटीपी शुरू होने का नियम है उसको लेकर के आप अभी तक नहीं पहुंची है, उस पर उन्होंने कहा कि आप हमारे चैम्बर में आकर के बात करिए। और जाहिर सी बात है जब सीएमएस जो है एक मीडिया कर्मी से ऐसे बात करते हैं कि आप हमसे बाहर नहीं बात कर सकते हैं और हमारे कैंपस में आइए और हमारे ऑफिस में आकर के बात करिए, सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरीके से जो सरकार दावे कर रही है उसके बावजूद जब राजधानी में ऐसे अधिकारी मौजूद हैं, लगातार कह सकते हैं अगर उस लता से जो सीएमएस है उनकी बात कर ले तो उनके ऊपर कई सारे आरोप जो है लग चुके हैं, बस ऑपरेशन के नाम पर धनुगाही, इस ऐसे कई सारे शिकायत पत्र जो है अधिकारियों को दिए भी जा चुके हैं।
लेकिन उसके बावजूद जी शुभम शुभम आप लाइन पे बने रहिएगा। हमारे साथ सीएमएस महोदया पुष्पलता कनौजिया जी जुड़ चुकी हैं। जी पुष्पलता जी, आपसे यहाँ पर इंडिया वॉइस के माध्यम से सवाल मैं करना चाहूंगी कि 8 बजे का समय निर्धारित है, 9:45 9:25 के बाद आप वहां पर दफ्तर में पहुंचनी है, जिम्मेदारी आपकी है उस पूरे परिसर की, उस पूरे अस्पताल की, उस पर क्या कहना है आपका, ये देरी क्यों? तो इंडिया वॉइस के द्वारा यहां पर सवाल किया गया और सीएमएस साहिबा ने फोन कट कर दिया है, जवाब मुझे नहीं मिला है। मैं एक बार फिर से अनुरोध करूंगी अपनी टीम से कि कोशिश करें एक बार फिर से उन्हें कॉल लगाने की, यदि वो सवाल पर जवाब देना चाहें तो। आप देख पा रहे हैं साफ तौर पे शुभम पांडे हमारे संवाददाता कल उनसे बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उनके सवालों का भी जवाब नहीं दिया उन्होंने। और जी पुष्पलता जी, इंडिया वॉइस से मैं प्रियंका बोल रही हूं आपसे। यहां पर शुभम पांडे ने भी इंडिया वॉइस की तरफ से सवाल किया था कि 8 बजे का समय निर्धारित है, अपर निरीक्षक भी वहां पर आए थे और उन्होंने इस बात की हिदायत दी थी कि समय पर दफ्तर पहुंचना जरूरी है, लेकिन उसके बावजूद भी 9:45 9:30 से पहले आप दफ्तर नहीं पहुंच पाती, उसके पीछे क्या कारण है, इस बात का जवाब आप देंगी? एक बार फिर से यहां आप देख पा रहे हैं किस तरह से फोन कट हो रहा है बार बार, सवालों के जवाब देने से पूरी तरह से बचती नजर आ रही हैं सीएमएस साहिबा। बार बार मैं सवाल करने की कोशिश कर रही हूं, सवाल तो वो जरूर सुन ले रही हैं पर शायद जवाब देने के मूड में नजर नहीं आ रही हैं सीएमएस साहिबा। तो सीएमएस साहिबा से बार बार मैं सवाल कर रही हूं लेकिन सवाल का जवाब मुझे मिल नहीं पा रहा है। लगातार इस बात का सवाल उठाया जा रहा है कि इतने सारे मरीजों की जिम्मेदारी जिस सीएमएस के ऊपर रहती है, जिनके ऊपर पूरे परिसर की संयुक्त चिकित्सालय की जिम्मेदारी रहती है, वो खुद ही जब गंभीर नहीं है तो मरीजों का इलाज किस तरह से यहां पर संभव होगा। साथ ही साथ शुभम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लगातार इस बात को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि जब सीएमएस ही समय पर नहीं पहुंचेंगे तो परिसर के तमाम डॉक्टरों का समय निर्धारित कैसे होगा, कैसे वहां पर संयुक्त चिकित्सालय में काम होता है, इस बात की जिम्मेदारी आखिर कौन करेगा। लगातार सरकार इस पर निर्देश देती हुई नजर आती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस बात को लेकर लगातार अधिकारियों को तमाम विभागों के हिदायत देते हैं कि कामकाज में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए, मरीजों के इलाज की बात हो या अन्य विभागों की बात हो, लेकिन जब इस तरह के अधिकारी मौजूद रहेंगे किसी भी विभाग में तो उस विभाग में काम किस तरह से चलेगा, ये आप खुद ही देख पा रहे हैं। इंडिया वॉइस की टीम बार बार यहां पर पड़ताल करने की कोशिश करती हुई नजर आई कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, लेकिन खुद सीएमएस साहिबा को 2 बार फोन लगाने की कोशिश इंडिया वॉइस ने की है लेकिन उन्होंने सवाल सुनकर जवाब ना देने की ठानी है, फोन काटती हुई नजर आई है। हम इसके बावजूद भी लगातार उन्हें कॉल करने की, संपर्क करने की कोशिश करते रहेंगे कि शायद इस बारे में जवाब मिले, क्योंकि यह मामला जनता का है। और हमारे साथ डीजी हेल्थ दीपा त्यागी जी भी जुड़ चुकी हैं। जी दीपा जी, सबसे पहले तो मैं यहां पर आपसे जानना चाहूंगी कि सीएमएस साहिबा जो बख्शी का तालाब संयुक्त चिकित्सालय की हैं, पुष्पलता कनौजिया नाम है उनका, उनको लगातार यहां पर देरी से वो पहुंचती हैं, अपर निरीक्षक ने फटकार लगाई, उसका भी कोई असर नहीं हुआ, इंडिया वॉइस की टीम वहां पर पहुंची, कारण पूछती हुई नजर आई कि आखिर मैडम देरी क्यों होती है पहुंचने में, और हमने भी बार बार सवाल करने की कोशिश की लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा है, इस पर क्या कहना है सबसे पहले तो आपका? मुझे एक ऑफिशियली भिजवा दीजिए खबर तो मैं एक्सप्लेनेशन कॉल करूं रिटिंग। ये एक्चुअली फोन वोन से बातें होती तो हैं जरूर एक बार, फिर डाइल्यूट हो जाती है जी। जब कोई कार्रवाई राइटिंग में स्टार्ट हो जाती है तो उसका मतलब होता है कुछ जी, बिल्कुल दीपक, तो जी, काफी दीपक लोग पीड़ित होंगे इस बात से, सुनिए, काफी लोग पीड़ित होंगे इस बात से, किसी एक व्यक्ति से मुझे राइटिंग में कंप्लेंट डीजी ऑफिस भिजवा दीजिए, मुझे ही संबोधित करके मैं शासन से जांच करा देती हूँ। ठीक है, बिल्कुल अपने एंड पे हम यहाँ पर जो भी कर पाएंगे वो जरूर करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी लगातार सरकारें जब गंभीर नजर आती हैं और अधिकारी इस तरह की लापरवाही बरतते हैं तो उन पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ इतने बड़े पद पर आप बैठे हैं, पूरे परिसर की जिम्मेदारी है, चिकित्सालय की जिम्मेदारी है। मैडम सुन भी लीजिए, विभागीय जाँच हो जाती है, प्रमोशन नहीं होता है, इंक्रीमेंट नहीं लगता है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं, बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन आप लोग सिर्फ न्यूज में अगर कहेंगे तो कुछ नहीं होता है, राइटिंग में कंप्लेंट आ जाती है तो सब कुछ हो जाता है। ठीक है, राइटिंग में कंप्लेंट, राइटिंग में कंप्लेंट इंडिया वॉइस की तरफ से हम जरूर भेजेंगे, लेकिन मैडम को भी हमने फोन लगाने की कोशिश की, इतनी जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए कि फोन पर वो बात अपनी बात रखे। अरे तो सुननी पड़ेगी उनको, किसी के नाम से मेरी सुननी पड़ेगी।
दीपा त्यागी जी, यहाँ पर एक और बात निकलकर सामने आई है, जब सीएमएस साहिबा से सवाल पूछा गया था तो उनका कहना है कि आवास को लेकर दिक्कत थी जिसकी वजह से वो देरी से पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। इस पर आपका क्या कहना है, क्या इस तरह की परेशानियां वाकई होती हैं, और यदि ये परेशानियां होती भी हैं तो क्या विभाग के ऊपर इसका असर पड़ना चाहिए? ये गलत बात है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। तो आपका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ पर सीएमएस महोदया किसी ना किसी तरह बहाने बनाते हुए नजर आ रही है। उसे टाइम से पहुंचना होता है, कहीं भी रहता हो कोई उसे टाइम से पहुंचना होता है, अगर मकान नहीं है तो हाउस रेंट दिया जाता है। ठीक है दीपा जी, भाई इलाके में रहे वो। दीपा जी आपसे मैं एक और आश्वासन चाहूंगी, आपके पास लिखित में रिपोर्ट हम अपनी तरफ से भिजवाने की पूरी कोशिश करेंगे, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी इस तरह के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर? अरे आपको पता है तो है, जब वो होगी जांच होगी और वो दोषी पाई जाएंगी तो इंक्रीमेंट भी रुकेगा, प्रमोशन भी रुकेगा, रिटायरमेंट ड्यूज भी रुकेंगे, और क्या होगा इससे ज्यादा करना, सारे आर्थिक लाभ रुक जाएंगे। ठीक है दीपा जी, उम्मीद करती हूँ कि आपके पास लिखित में कार्रवाई जाएगी तो आप इस पर कोई ना कोई एक्शन जरूर लेंगी, और इस तरह के एक्शन लेने के बाद एक नसीहत भी पेश कर पाएंगी कि अधिकारी यदि लापरवाही करेंगे तो उन पर कार्रवाई भी होगी। हमसे बातचीत करने के लिए दीपा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार डीजी हेल्थ दीपा त्यागी जी से हमारी बातचीत हो रही थी, साफ तौर पर उनका कहना है कि लिखित में कार्रवाई जाएगी तो कार्रवाई यहां पर की जाएगी, एक्शन लिया जाएगी, इस तरह की लापरवाही किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं है। लगातार मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम की हम बात करें तो तमाम तरह के विभागों के साथ ही साथ लगातार इस बात की हिदायत और निर्देश दिए जाते रहे कि अधिकारियों की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, उसके बावजूद भी इस तरह के अफसर विभाग पर विभाग के नाम पर बट्टा लगाने व पलीता लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। और हमारे साथ लगातार शिवम पांडे भी जुड़े हुए हैं, रियलिटी चेक उन्होंने अस्पताल में खुद जाकर किया था, एक बार फिर से उनसे हम जानना चाहेंगे। जी शुभम, यहां पर दीपा त्यागी जी से बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि लिखित में शिकायत जाएगी उसके बाद यहां पर कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, आपको पता है लगातार जो सीएमएस है उनके खिलाफ लगातार जो है कई बार जो है एप्लीकेशन दिए जा चुके हैं, शिकायत भी दिए जा चुके हैं, धनुवाही के जैसे मामले भी जो सामने आए थे उनको लेकर के भी निदेशक को भेजे जा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शिकायतकर्ता लगातार जो है कार्रवाई की मांग कर रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। साफ कहा जाता है कहीं ना कहीं एक ऊंची पहुंच जो है जो यहाँ के सीएमएस है वो रखती है, जिसके कारण जो है अभी तक कोई जो कार्रवाई है वो नहीं सामने आई। और साफ कहा जाता है जिस तरीके से एक अधिकारी जो है कैंपस में है मौजूद होते हुए जब कैंपस में नहीं रहता है तो जाहिर सी बात है तो किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं वो चल रही होंगी, जो यहाँ के मरीज हैं उनको किस तरीके से इलाज मिल रहा होगा, ऐसे कई सारे तमाम सवाल जो है वो लगातार जो है घूमते रहते हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार लगातार जो है गरीबों को इलाज मुहैया कराने के लिए लगातार तत्पर रहती है और लगातार इलाज सही तरीके से मिल सके। और जी बिल्कुल शुभम, तो यहाँ तमाम जो जनता है उनके स्वास्थ्य के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। डीजी हेल्थ का साफ कहना है कि लिखित में यहाँ पर एप्लीकेशन और शिकायत जाएगी तो उस पर कार्रवाई होगी, आप इस बात को सुनिश्चित करिए कि लिखित में उनके पास एप्लीकेशन पहुंचे। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए और आपकी रिपोर्ट के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बात करेंगे अगली खबर की, उत्तरी पूर्वी दिल्ली के थाना नंद नगरी में इस मानसिक विक्षिप्त लड़के के साथ मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है, जिसको लेकर पीड़ित के परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पीड़ित को कुछ लोगों ने खंभे से बांध कर पिटाई कर दी थी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। पूरी घटना का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरुआत की है। वर्तमान में दो मांगे हैं हमारी, एक तो बस्तर परिवहन संघ के माध्यम से परिवहन का पूरा कार्य करवाया जाए, बस्तर परिवहन संघ और जय झाड़ेश्वर परिवहन समिति जो स्थानीय है, 11 गांव के लोग प्रभावित है, 11 लोगों का जमीन प्लांट में गया है, तो दोनों संयुक्त रूप से मिलकर ये हम मांग कर रहे हैं कि जो लोगों का जमीन गया है उनको प्लांट के अंदर नौकरी दिया जाए और जो परिवहन का कार्य है वो बस्तर परिवहन संघ और जय झाड़ेश्वर परिवहन संघ के माध्यम से करवाया जाए। एनएमडीसी आप लोग अभी आए हैं देख रहे हैं, आप पूरा बाहर की गाड़ियां लोड भर रही है।
खालिस्तानी संगठनों पर भारतीय जांच एजेंसियों के द्वारा नकेल कसने की कवायद जारी है। देश के साथ ही साथ विदेश में भी जांच एजेंसियां लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही हैं, जिसके साथ एनआईए ने कार्रवाई करते हुए राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली के करीब 50 जगहों पर छापेमारी की है। वहीं बीकानेर संभाग में सूरतगढ़, राजस्थान में एनआईए ने छापेमारी की है। सूरतगढ़ में एक निजी कॉलेज के छात्र नेता के घर पर एनआईए की टीम पहुंची है। छात्र नेता खालिस्तान का समर्थक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि खालिस्तानी चरमपंथियों से जुड़े गैंगस्टर के हवाला ऑपरेटर्स और कोऑर्डिनेटर की धरपकड़ के लिए बीकानेर संभाग सहित राजस्थान के लगभग 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई है। गोपालगंज के कुचालकोट थाना में एनएच 27 पर अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने 18 वर्षीय युवक को टक्कर मार दी, जिसके बाद युवक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान उसकी मौत हो गई। बता दें कि 18 वर्षीय अंकित कुमार की टोला गांव निवासी रामनाथ प्रसाद के पुत्र हैं। तो वही घटना की सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच में जुट गई है। वनों को बचाने के लिए दक्षिण वन मंडल ने बड़ा कदम उठाया है, जहां मध्य प्रदेश वन विभाग का पहला फॉरेस्ट कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिससे वन मंडल के 3 उपमंडल में 6 परिक्षेत्र कंट्रोल रूम सीधे जुड़ सकेंगे। इन इलाकों पर अब कैमरों की मदद से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा सकेगी। अवैध तस्करों पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग का यह पहला फॉरेस्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है। डीएफओ विजय नंथम टीआर ने बताया है कि वन मंडल अंतर्गत अवैध तस्करों पर निगरानी के लिए मध्य प्रदेश वन विभाग का पहला फॉरेस्ट कंट्रोल रूम बनाया गया है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में आग लग गई, जिसके बाद मौके पर मौजूद लोगों ने कार सवार 2 लोगों को कार से बाहर निकाला। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पूर्व मीडिया सलाहकार भारतेंद्र सिंह चहल के घर पर विजिलेंस की छापेमारी की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है। बता दें कि भरत सिंह चहल को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार करने के लिए विजिलेंस की टीम पहुंची है। अगली खबर बीकानेर से है, जहां पेट्रोल भरवाने पहुंची महिला की स्कूटी की डिक्की में सांप निकला है। बता दें कि सांप को देखकर महिला और पंप ऑपरेटर के होश उड़ गए। वहीं दोनों स्कूटी छोड़कर किनारे खड़े हो गए। बता दें कि सांप पकड़ने के लिए स्नैक कैचर को बुलाया गया था, जिसके बाद सांप पकड़वाया गया। घटना बीकानेर के पेट्रोल पंप की बताई जा रही है। चित्तौड़गढ़ में अवधिपार दवाइयों सही नहीं हो रही। बता दें कि अवधिपार दवाइयां निस्तारण प्राचीन काल में खुले में फेंकी जा रही हैं, जिससे आमजन और मवेशियों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं मेडिकल व्यवसायियों की लापरवाही भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल व्यवसायी नियमों का पालन तरीके से नहीं कर रहे हैं। धौलपुर में एक निजी अस्पताल में लापरवाही से गर्भवती की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल गर्भवती प्रियंका त्यागी अस्पताल में खुद को दिखाने गई थी, जिसे डॉक्टर ने हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया, जहां सुविधाओं के अभाव में गर्भवती की मौत हो गई, जिससे आक्रोशित परिजनों ने रिने हॉस्पिटल प्रबंधक डॉक्टर निखिल अग्रवाल और डॉक्टर जिंदल पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सूचना मिलते ही कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और परिजनों को जांच का आश्वासन देकर शांत कराया।
धौलपुर में बीते दिनों हुई बारिश से कॉलोनियों में जलभराव की समस्या देखने को मिली है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि नगर परिषद सभापति खुशबू सिंह और पूर्व सभापति निशांत सिंह ने दौरा कर शहर के हालात जाने, जिसके बाद अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए गए। पंप सेट लगाकर पानी निकाला गया है, लेकिन अभी भी शहर में कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोग परेशान हैं। बिहार के सहरसा जिले में भैंस को धोने के दौरान अर्थिंग तार की चपेट में आने से 35 साल के एक शख्स की बुरी तरह से झुलस गया, जिसे आनन फानन में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां रास्ते में ही युवक की मौत हो गई। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।